आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कहते हैं एक पर्वतारोही आखिर क्या चाहता है, जीते जी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों को छूना और मरने के बाद इन्हीं पहाड़ों की बर्फ यहां की हवा में घुल जाना। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही सविता कंसवाल की। मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की बेटी सविता कंसवाल की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा से भरी है। बीते दिनों जब नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल को यह सम्मान दिया तो हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए। सविता कंसवाल पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी जिसने 16 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर तिरंगा फहराया था। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर दूर भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम लोंथ्रू निवासी सविता का बचपन कठिनाइयों में गुजरा। माता पिता ने खेतों में मेहनत कर जैसे तैसे चार बेटियों का पालन पोषण किया। सविता चार बहनों में सबसे छोटी थी। एवरेस्ट समेत विश्व की दर्जनों चोटियों का आरोहण कर कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराने वाली सविता का लक्ष्य विश्व की टॉप 10 चोटियों का आरोहण करने का था। इनमें से वो 3 चोटियों का सफल आरोहण भी कर चुकी थी। सविता ने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट और इसके ठीक 16 दिन बाद माउंट मकालू का सफल आरोहण किया। इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाने वाली सविता पहली भारतीय महिला हैं। सविता ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे जिन्हें अभी पूरा करना था, लेकिन बीते साल 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा में हुए भूस्खलन हादसे में सविता हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ों की गोद में सो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।